अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पाया। चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास 6 बकरी के पाए हैं, इसको हमने अच्छे से धोना है। अब हम इसको सादे पानी से धो लेते हैं। अच्छी तरह से पानी में इसको भिगा के एक एक पाए को साफ करके हम इसको धो लेते हैं इस तरह से। देखिए पाए को हमने सादे पानी से धो लिया है। अब हम इसको खुश्क करने के लिए रखेंगे, इसका पानी सुखाने के लिए। जब इसका पानी सूख जाएगा फिर हम इसको दोबारा से धोएंगे। देखिए पानी जो है पाए का वो खुश्क हो चुका है इस तरह से। देखिए हमने छलनी के अंदर रख दिया था, अब इसके ऊपर हम सूखा आटा डालेंगे। पाया भी हमारा खुश्क हो गया, उसमें पानी नहीं है। अगर पानी रहेगा तो आटा जो है वो गीला होके पाए पे चिपक जाएगा और सही से साफ नहीं हो पाएगा। पाए को साफ करना बहुत मुश्किल काम लगता है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बाल चिपके रहते हैं, गंदगी चिपकी रहती है। अब देखिए ये आटे की मदद से इतनी आसानी से साफ हो रहा है। अब हम ऐसे ही पाए को अच्छे से साफ कर लेंगे आटा लगा लगा के। देखिए इस तरह से देखिए हमने इस तरह से पाए को आटे की मदद से साफ कर लिया अच्छे से। अब हम पाए को अच्छे से धो लेते हैं, इस पे जो आटा लगा था उसको साफ कर देते हैं और इस पे से जो बाल वगैरह थे ना वो सब साफ हो गए। अब देखिए पाया धुल चुका है, एकदम से साफ हो गया है, आसानी से हो गया है आटे की मदद से। अब हम इसको उबालने के लिए रखेंगे कुकर के अंदर। देखिए धो के अच्छे से साफ करके हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 3 कप इसके अंदर पानी डाला है। अब 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। कुकर को बंद कर देते हैं। तेज आंच पे 1 सीटी आने के बाद अब हम इसको हल्का करके 35 मिनट तक पकाएंगे। चूल्हे को हल्का कर देते हैं। अब हम इधर एक पतीली गरम करने के लिए रख देते हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद ऑयल पक चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, पिसी हुई प्याज है 1 कप। अब हम इसको प्याज को डाल के ऑयल के अंदर इसको भून लेते हैं इस तरह से। अब हम 2-3 तेज पत्ता डाल देते हैं प्याज के अंदर और इसको भी चला लेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन जाएगा और 1 टेबल स्पून अदरक जाएगा। लहसुन अदरक डालने के बाद अब हम इसको चला लेते हैं अच्छे से। अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। अब गरम मसाला है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून। और 1/2 कप दही है। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब मसालों को। देखिए अब हम इसको भून लेते हैं इस तरह से। अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाएगा।
देखिए तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक डाला है 1 चम्मच, उसको भी भून लेते हैं अच्छे से तरह से। अब हम जब तक भूनेंगे कि जब तक मसाले में से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला भुन गया है इस तरह से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है, कलर भी अच्छा सा आ गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है, देखिए इस तरह से। अब ये पाए जो हैं ये अच्छे से गल गए हैं, इनको हमने गला लिया था, देखिए कितने अच्छे से गल गया है। अब हम पाया जो है इस मसाले के अंदर डाल देते हैं। मसाला बिल्कुल तैयार है हमारा। अब पाए हम इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से। पाए मसाले में डाल दिए हैं, पाए भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, देखिए इसको अब हम मिला लेते हैं। पाए और मसाले को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इस तरह से। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं, पाए के अंदर 2 कप। इस टाइम हमने 2 कप पानी डाला है, जब हमने पाए गलाए थे तब हमने 3 कप पानी डाला था। अब हम इसको मिक्स करके ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए ये पक चुका है अच्छे से, देखिए मिला लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से पाया भी खूब अच्छे से गल गया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और बारीक बारीक कटा हुआ अदरक भी डालेंगे और लीमू भी छिड़क देंगे। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके अब हम इसको निकाल लेते हैं। मज़ेदार पाया हमारा बनके तैयार हो गया है, देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं, पाए को निकाल लेते हैं। देखिए बकरी का पाया पक्के तैयार है, आप भी पकाइए और ज़रूर बताइएगा कि कैसा पक्का है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, और मैं नई नई रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। मेरा चैनल यूट्यूब कुक विद आयशा सलमान को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।